क्या उदय नारायण चौधरी ने जेडीयू छोड़ने का मन बना लिया है? तो क्या जेडीयू को अलविदा कहेंगे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष? लालू यादव को जेल जाने से जहां आरजेडी को मुश्किल दौर का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आरजेडी सुप्रीमो के जेल जाने से जेडीयू में भी कलह शुरू हो गई है। लालू के जेल जाने को लेकर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले उदय नारायण चौधरी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब पार्टी ने भी उदय नारायण चौधरी के बगावती तेवर पर पलटवार किया है। चौधरी के आरोपों का जवाब देते हुए जेडीयू महासचिव आरसीपी सिंह ने कहा कि सबको पता है कि उदय नारायण चौधरी किस नाव पर सवार हैं। वहीं चौधरी को नोटिस दिए जाने के सवाल पर सिंह ने कहा कि उन्हें नोटिस देना स्टेशनरी और कागज की बर्बादी है। जो खुद पार्टी से बाहर जा रहा हो उसे बाहर करने की क्या जरूरत है? उनकी बातों को हम तवज्जो नहीं देते। इस दौरान आरसीपी सिंह ने आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आरजेडी नेता न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। सिंह ने कहा कि आरजेडी के लोग पहले कहते थे कि उन्हें देश की न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब वो ही कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में डूबे लोग ऐसा ही करते हैं। आपको बता दें कि उदय नारायण चौधरी इन दिनों पार्टी लाइन से इतर बयान दे रहे हैं, कभी शरद यादव के बहाने तो कभी लालू यादव के बहाने वो लगातार जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने कहा था कि लालू पर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही लालू को दोषी ठहराए जाने के पीछे उन्होंने बीजेपी और जेडीयू को जिम्मेदार ठहराया था। जाहिर है चौधरी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, पार्टी ने भी उनके खिलाफ जिस तरह का रुख अपनाया है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में चौधरी की राहें जेडीयू से अलग हो सकती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।